हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम मोर लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और चैप्टर 3 HTML बेसिक्स हमारा रनिंग में है। आज हम हमारा जो मॉड्यूल है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टूल्स का, उसका चैप्टर 3 का पार्ट 13 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम HTML में कमेंट्स किस तरह से शो करवा सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स यानी आप अभी वीडियो में देखेंगे कमेंट्स का हम यूज़ हमारे कोडिंग के लिए, सोर्स कोड के लिए कैसे करते हैं। बेहद ही सिंपल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा वाइड लार्ज नहीं है, वीडियो की साइज बहुत छोटी है और काफ़ी सिंपल टॉपिक आपके लिए है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखते हैं कमेंट के बारे में क्या है। द कमेंट टैग इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट्स इन द सोर्स कोड। कमेंट टैग का हम यूज़ करते हैं अगर हमारा जो सोर्स कोड है, हम सोर्स कोड वो है जो प्रोग्रामर एक कोडिंग लिखता है, कोड लिखता है, कोडिंग करता है, वो हमारा सोर्स कोड होता है। जब प्रोग्रामर अपने कोड लिखने के टाइम पे कोई ऐसे एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर देता है जो कि वो वेब पेजेस पर शो नहीं करवाना चाहता, वो हमारे कमेंट्स के अंडर में आते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में हम डिटेल्स देना चाहते हैं बट वो वेबसाइट पर शो नहीं करवाना चाहते, वो हम किस में ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन दी ब्राउजर्स, ब्राउजर्स पर कमेंट्स हमारे शो नहीं होते हैं। You can use comments to explain your code, which can help you when you edit the source code at a later date. आप अपने comments के through आपके जो भी code हैं उन्हें explain करवा सकते हैं, आप उनकी help ले सकते हैं comments के through। अगर आप बाद में अपने किसी भी source code में कोई changes करना चाहते हैं तो आप comments का use कर सकते हैं। comments अगर आपने किसी भी topic से related अपने source code में add करवा दी कि ये function मैंने इसलिए लगाया, ये text मैंने इसलिए लगाया, particular से related आपने details दी, comments दे दिया, तो एक तो आप का जो भी सोर्स कोड कोई किसी दूसरे पर्सन को दिया जाएगा वो इजीली समझ सकेगा आपके कोडिंग को, और साथ ही अगर आप लेटर यानी कुछ समय बाद अपने उस सोर्स कोड में कोई चेंज करते हैं, वेबसाइट पर कुछ अपडेट करते हैं, तो आप उस कोड के थ्रू समझ सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या डिटेल्स देना चाहते थे। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कोड, अगर आपके पास बहुत सारा कोड है, आपका प्रोग्रामिंग के टाइम, आपकी वेब डिज़ाइनिंग के टाइम में आपके पास बहुत सारा कोड आपने लिखा है, तो उस केस में आपके कमेंट्स आपकी हेल्प करते हैं आपकी कोडिंग को समझने के लिए, कि आपने क्या कोड किस लिए लिखा है उसको समझने के लिए कमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कमेंट टैग टू हाइड स्क्रिप्ट फ्रॉम ब्राउजर्स विदाउट सपोर्ट फॉर स्क्रिप्ट, सो दे डोंट शो दैम एज प्लेन टेक्स्ट। आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट जो कि आपके ब्राउज़र पर शो होती है उनको हाइड करने के लिए, ताकि वो आपके ब्राउज़र पर शो ना हो, और विदाउट सपोर्ट ऑफ फॉर स्क्रिप्ट यानी बिना किसी स्क्रिप्ट सपोर्ट के भी आप क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट को ब्राउजर्स पर शो करवाने से हाइड कर सकते हैं। तो यानी आपके जो भी कमेंट आपने जो भी अपना कोडिंग करी है उसमें अगर कोई सा भी ऐसा पार्ट है जो आप अपने ब्राउजर पर शो नहीं करवाना चाहते, साथ ही साथ फर्दर नॉलेज के लिए आप उसमें कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि आपको हेल्प करे आपकी कोडिंग को समझने के लिए, तो वो आपका किस में ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं। दी कमेंट्स टैग इज रिटर्न एज, ब्रैकेट्स दिख रहा है यहाँ पे और हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, और साथ ही हमें यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं जो कि हमारे माइनस वाले को रिप्रेजेंट करवाते हैं। विद दी कमेंट्स इंसर्टेड बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैक्स, कमेंट कहाँ लिखा जाएगा, जो भी हमारे स्टार्ट एंड एंड टैक्स है इनके बीच में जो भी टैक्स लिखा जाएगा वो एज ए कमेंट्स के रूप में माना जाएगा। नोट दी एक्सक्लेमेशन मार्क इज ऑनली यूज इन दिस स्टार्ट, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये केवल कहाँ पे मैंशन किया जाता है, आपके जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग के टाइम पर जो टैक्स आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम ही इसको लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपने आप ऐसा टेक्स्ट है जो कि आप ब्राउजर पर शो नहीं करवाना चाहते, उसके लिए आप इस तरह का आपके ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं माइनस के सिंबल के बाद, यहाँ पे आप कमेंट्स लिखते हैं, जो भी आप कमेंट अपने ब्राउजर पर शो नहीं करवाना चाहते बट अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहते वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर आपको इसे क्लोज करना होगा। लेस देन एंड ग्रेटर देन के सिंबल हैं, हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क हैं और हमारे माइनस के सिंबल है, जिनके बीच में हम हमारा कमेंट वाला टेक्स्ट एंटर करते हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे ब्राउजर्स पर हम हमारे कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, हमारे सोर्स कोड में ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे ब्राउजर पर शो नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हम वही हमारी प्रीवियस की फाइल ओपन करेंगे। हमें क्या करना होगा, उस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें ओपन विथ का ऑप्शन मिलेगा। ओपन विथ करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज में कर सकते हैं, चूज अनदर ऑप्शंस पे भी हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, एक तो नोटपैड में हम ओपन करना चाहते होते हैं, और साथ ही हम क्या करना चाहते हैं, इसको वेब पेजेस पर भी शो करवाना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आउटपुट हमारा भी इस तरीके का है और जो हमारा नोटपैड है वो हमारा ये है। ठीक है,
ये हमारा वो प्रीवियस का एग्जाम्पल है जो कि हमने प्रीवियस की क्लास में करके देखा था, और इसके साथ साथ हमारा जो आउटपुट आया था स्क्रीन पर वो ये था। ठीक है, अभी देखिए हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें विजिबल है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट विजिबल है, शो हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ये टेक्स्ट हमारा इस ब्राउज़र पर शो हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कमेंट का ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। ऐसा पार्ट जो कि आप अपने ब्राउज़र पर शो नहीं करवाना चाहते उसे हम कमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब कमेंट ऐड करने के लिए हम हमारे जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया है इस पर अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कमेंट अप्लाई करके देखेंगे। पहले हम इसको ब्राउज़र पर देख लेते हैं कहाँ लिखा गया है टेक्स्ट इन प्री एलिमेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है टेक्स्ट इन प्री एलिमेंट्स, ये हमारा क्या है ब्राउज़र का वो टेक्स्ट है जो कि हमारे हमारे कोडिंग का वो टेक्स्ट है जो कि अभी हमारे ब्राउज़र पर शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करके देखते हैं कि अगर हमें ये टेक्स्ट हमारे ब्राउज़र पर नहीं दिखाना है तो क्या हम कोडिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे कमेंट ऐड करने के लिए, यहाँ पर हम जानते हैं हमें सिंबल का यूज़ करना है, ग्रेटर देन का सिंबल, और फिर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और हमें इस तरह से सिंबल लगाना है। ठीक है, और यहाँ से एलिमेंट के बाद हम क्या करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने सिंबल लगाया, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अभी आपको दिख रहा था टेक्स्ट इन प्री एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए वहाँ का जो भी टेक्स्ट था टेक्स्ट इन प्री एलिमेंट वो अभी हमारा रिमूव हो गया है, वो किस में रहा है केवल हमारे नोटपैड के जो सोर्स कोड है उसमें ये टेक्स्ट रहा है, हमारे प्रोग्राम पर आउटपुट नहीं इसका शो हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें मल्टीपल लाइंस करवानी, सपोज ये तो हमने एक ही लाइन करी थी, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ भी हम पूरा पैराग्राफ हम क्या करना चाहते हैं कमेंट में हाइड करना चाहते हैं तो हम इन कमेंट्स के थ्रू एक सिंगल लाइन को भी कर सकते हैं, तो हम मल्टीपल लाइन को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा ये लाइन एंड हो रही है लाइन ब्रेक्स पे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, लाइन ब्रेक्स पर हमारी ये लाइन फिनिश हो रही है। अब हम क्या करते हैं इसको भी हम कमेंट के थ्रू हाइड करके देखते हैं। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल का हमने यूज़ करा है, कंट्रोल लेस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं हम ब्राउजर विंडो पर। अभी तो हमें ये पैराग्राफ शो रहा है बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, हम इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश करा हमारा पैराग्राफ हमारे ब्राउज़र पर शो नहीं हो रहा है, बट वो हमारे आउटपुट पर हमें हमारे जो नोटपैड है उस पर हमें शो हो रहा है। तो आपको पता चला आज की वीडियो में कि किस तरह से हम सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस पर HTML के प्रोग्राम्स की कोडिंग में कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि किस तरह से हम कमेंट्स का यूज़ हमारे HTML के सोर्स कोड में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।